केजरीवाल साहब का रिहा हो जाना ये एक ऐसा सन्नाटेदार थप्पड़ है हुकूमत के मुंह पर, जिसकी गूंज 2024 के इलेक्शन के बाद तक भी सुनाई देती रहेगी। सरकार बहाने पर बहाना चाहती है, पूरे विपक्ष को जेल में फंसाना चाहती है। अब इन तमाम बहकावों से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि खुद ही जनता अब इनको हटाना चाहती है। कि आपने देश के साथ गद्दारी किया है, देश के जनता को। आप सिर्फ मुसलमान की बात करते हो, हिंदू की बात करते हो, मंदिर की बात करते हो, मस्जिद की बात करते हो। देश की जनता ने इस बार सोच लिया है कि इनको 400 सीटों पर जमानत जब्त कराएंगे। देखिए, देश में ना इनसे युवा संभल रहा है, 85% युवा आज बेरोजगार है। आप 74 साल में कह रहे हो कि हमको एक पारी और खेलने, और 24 साल में आप युवाओं को रिटायर कर रहे हो। 74 साल का आदमी कह रहा है कि 70 साल के बुजुर्गों का मैं गारंटी लेता हूँ। अब बताओ, 74 साल का आदमी 70 साल का गारंटी ले रहा है। सर आप क्या कहेंगे, केजरीवाल बाहर आ गए, 21 दिनों का चुनाव बाकी है। देखिए, कल केजरीवाल आए और हवा का रुख भी बदल गया। कल तूफान आया था, आपने दिल्ली में देखा होगा। और तूफान में क्या होता है, तूफान में दिल्ली के अंदर जो पत्ता पेड़ से टूटता है वो गाजियाबाद नोएडा चला जाता है, फरीदाबाद गुड़गांव चला जाता है ना। 4 जून को देश में ऐसी हवा चल रही है कि उस आंधी में मोदी जी उड़ेंगे, और उड़ के कहां जाएंगे, जहां ललित मोदी गए हैं, जहां नीरव मोदी गए हैं, नहीं तो पुतिन जी के पास जाएंगे। उनको उड़ना है ही, क्योंकि थैला उठाकर उनको जाना पड़ेगा। देश की जनता ने इस बार सोच लिया है कि इनको 400 सीटों पर जमानत जब्त कराएंगे। इसलिए 400 सीटों पर जमानत कराएंगे क्योंकि 400 पार का नारा दे रहे हैं। दूसरी बात, ये कहते हैं कि 370 हमने हटाया इसलिए 370 सीटें मिलेगी। आपने कश्मीर से 370 हटाया था ना, तो कश्मीर में आपने किसी को चुनाव क्यों नहीं लड़ाया? अगर कश्मीर से आपने 370 सीटें हटाया, 370 हटाया, तो आपको कश्मीर में चुनाव लड़ना चाहिए था। आप कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रहे। देखिए, देश में ना इनसे युवा संभल रहा है, देश का आबादी आज देश दुनिया का 65% युवाओं वाला देश है भारत। 65% युवा है यहाँ पे, और इस 65% युवाओं में से 85% युवा आज बेरोजगार है। दुर्भाग्य है ना। आप कहते हो कि 2 करोड़ का नौकरी देंगे 2014 में, और बाद में आप कहने लगे कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। उनके शासन काल में ही जो भारत जो है 5वीं सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था बना। अरे भाई साहब, कौन कह रहे हो आप, ये कैसे कह सकते हो आप? जिसका डाटा क्या होता है, अदानी जब बड़े होंगे, अंबानी जब बड़े हो गए, दुनिया के सबसे बड़े धनी मनी लोगों में उनका नाम जाएगा। तो अडानी अंबानी बड़े हो रहे हैं ना, 22 को कॉर्पोरेट घराना बड़ा हो रहा है। भारत के लोग नहीं हो रहे हैं, भारत के लोग तो आज भी 85 करोड़, यही कह रहे हैं कि 5 किलो राशन पर जिंदा रहने के लिए 85 करोड़ लोग विवश है। तो कैसे भारत बड़ा हो रहा है? पहला बात देखिए, मैं रोजगार वाले पे आ रहा था। मैं छोटा सा बात समझिए, आपने रोजगार की बात की, आपने कहा कि पकौड़ा बेचना रोजगार है, वो अभी रोजगार है, मैं मानता हूँ एक युवा होने के नाते। लेकिन रोजगार के लिए जब पकौड़ा बेचने के लिए ठेली लगाता है दुकानदार, एक युवा जब रोड पर ठेली लगाता है मार्केट में, तो पुलिस वाले शाम को पहुँच जाते हैं 2000 रुपया, नहीं तो ठेली हटाओ। तो आप तो युवाओं को पकौड़ा भी नहीं बेचने दे रहे हो। आप 74 साल में कह रहे हो कि हमको एक पारी और खेलने दो, और 24 साल में आप युवाओं को रिटायर कर रहे हो। 74 साल का आदमी कह रहा है कि 70 साल के बुजुर्गों का मैं गारंटी लेता हूँ। अब बताओ, 74 साल का आदमी 70 साल का गारंटी ले रहा है, जबकि उसने सबसे ज्यादा जो मतलब गलत काम किया बुजुर्गों के साथ किया। बुजुर्गों को 2020 से पहले आज़ादी के बाद यहाँ की जो सरकारें थी वो रेलवे के अंदर आधा रियायत देती थी, सीटों के अंदर सीट भी देती थी। किसने छीना, ये किसने छीना? मोदी जी ने छीना ना। बच्चों को हाफ टिकट लगता था और उनको सीट मिलता था, अब हाफ टिकट भी लगता और सीट नहीं मिलता, किसने छीना? महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, आप बताइए कि दिल्ली के अंदर, पश्चिमी दिल्ली में आज से कुछ एक साल पहले इन्हीं का नेता 12 किलोमीटर तक एक बेटी को गाड़ी में खींचते हुए ले गया था, सिर्फ हड्डी बची थी। हाथरस का घटना आपको याद होगा, ब्रिजभूषण वाला घटना आपको याद ही है। ब्रिजभूषण जी को तो अब कोर्ट ने भी कह दिया कि दोषी है। आपको मणिपुर तो भूले नहीं होंगे, मणिपुर के अंदर एक दोषी नहीं आरोप है, नहीं, मणिपुर के अंदर एक सैनिक, कितना दुर्भाग्य है इस देश का कि मणिपुर का एक सैनिक कारगिल का युद्ध लड़ने जाता है, वहां जीत जाता है, पाकिस्तानियों को हरा देता है, लेकिन वो अपने देश के लोगों से हार जाता है, अपने पत्नी को नहीं बचा पाता, और बीजेपी समर्थक उनके सरकार उनको नंगा घुमाती है, और मोदी जी एक बार नहीं बोलते।
तो देश की जनता यह देख रही है, आज जो युवा है वो समझ रहा है सारे बातों को, न महिलाओं को सम्मान दे पाए, न बेरोजगारों को रोजगार दे पाए, न छोटे छोटे व्यापारियों को उनको काम करने दिया। इन्होंने जीएसटी इतना मतलब लगा दिया बड़े लेवल पर, कॉरपोरेट इन्होंने कॉरपोरेट का क्या किया, चंदा भी लिया और कॉरपोरेट का टैक्स भी कम किया। कॉरपोरेट टैक्स करने से घाटा किसको हुआ? आपने एयरटेल को 950 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचा दिया, उनका टैक्स आपने माफ कर दिया। अब 950 करोड़ का टैक्स आपने माफ किया, उसने में तो कितने किसानों का काम हो जाता। आप किसानों की बात करते हो, यूरिया 50 किलो से घटते 45 किलो, 45 किलो से घटते 40 किलो, DAP कितना रेट बढ़ गया, फास्फोरस कितना रेट बढ़ गया, कैल्शियम कितना रेट बढ़ गया, दवाओं का दाम कितना बढ़ गया, और किसानों को कहते कि आय दुगनी हो गई। जो आप गांव देहात में चलिए, मैं गांव का लड़का हूं और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, बिहार में कट्ठा चलता है, एक कट्ठा का जुताई पहले आज से 10 साल पहले 30 रुपया लगता था, आज एक कट्ठे का जुताई 70 रुपया लगता है, एक कट्ठे का जुताई मतलब एकड़ देखोगे तो एकड़ पे डेढ़ गुना दो गुना बढ़ गया उसका रेट जुताई का। तो जुताई बढ़ गया, खाद बढ़ गया, बीया बढ़ गया, मजदूरी बढ़ गया, और हुआ क्या? जब गेहूं उत्पादन करता है किसान तो 1500-1600, धान 1300, मकई 1000 रुपये में नहीं बिकेगा, ठीक है, और आलू जैसे किसान बेच देता है तो आलू का कीमत हो जाता है 50 रुपये किलो, प्याज हो जाता है 100 रुपये किलो। इसका मतलब कि आपने देश के साथ गद्दारी किया है, देश के जनता को आप सिर्फ मुसलमान की बात करते हो, हिंदू की बात करते हो, मंदिर की बात करते हो, मस्जिद की बात करते हो, आप औरंगजेब की बात करते हो लेकिन अकबर की बात नहीं करते हो, अब बहादुर शाह जफर की बात नहीं करते हो। देखो मैं हिंदू हूँ लेकिन मुझे याद है कि बिहार का एक जमींदार परिवार का, गरीब जमींदार का परिवार का बच्चा आया था और बहादुर शाह जफर से जब उसने कहा तो 1857 में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए। तो बहादुर शाह जफर के बारे में बोलिए, अकबर के बारे में बोलिए, और औरंगजेब के बारे में ये भी बोलिए कि बिहार के अंदर बाबा हरिहरनाथ के मंदिर बनाने का प्रमाण मिलता है कि हरिहरनाथ की मंदिर भी औरंगजेब ने बनवाई थी, तो आप उसके नाम पर वोट नहीं मांग सकते। और जिस राम मंदिर की आप बात करते हैं, राम में आस्था सबकी है। पिछले 2 बार से प्रधानमंत्री मोदी का विरोध आप लोग लगातार कर रहे हैं लेकिन लगातार बहुमत में वो सत्ता में 10 साल पूरे कर चुके हैं, 3री बार के लिए वो आ रहे हैं, उनका साफ कहना है कि 140 करोड़ की जनता उनके साथ। बस दो झूठ बोलते हैं, देश में मात्र 90 करोड़ लोग वोटर है, 96 करोड़ मान लीजिए, 96 करोड़ वोटर है, जब उस समय था 90 करोड़ के आसपास था, 96 करोड़ वोटर है, तो पहले तो 96 करोड़ लोग, ठीक है, उसमें से 60% वोटिंग होती है, 50% वोटिंग होती है, तो 60% 10 से जोड़ लिया तो 60 करोड़ लोग, और 60 करोड़ लोगों में से आपको 20-22 करोड़ लोग वोट देते हैं, 20-22 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है, 1 अरब 40 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री नहीं है, पहली बात ये समझ लीजिए। दूसरी चीज, अगर कोई यूनिवर्सिटी जो है 2 और 2 5 का सर्टिफिकेट दे रहा है तो आप मानिएगा, 2 और 2 2 2 5 तो नहीं होता है, 2 गो कुर्सी है, 2 गो कुर्सी 4 गो तो नहीं होगा, 2 गो आम और 5 गो तो नहीं होगा, 2 गो आम और 2 गो आम 5 गो तो नहीं होगा, तो वो 2 और 2 को 5 बतला रहे हैं और हम कह रहे हैं कि 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 4 होता है, तो हम 2 और 2 को 4 मानने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको कितना सीट आता है हमको कितना, लेकिन अगर जो सत्य है उसके साथ हम लोग खड़े हैं। सर क्या कहेंगे, केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, अभी 4 चरणों का मतदान बाकी है, केजरीवाल जो है उन्होंने सबसे बड़ा आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं अगर वो सत्ता में आते हैं तो। अमित शाह को तो तभी बनाएंगे जब ये आएंगे सत्ता में, तब ना। केजरीवाल साहब का रिहा हो जाना ये एक ऐसा सन्नाटेदार थप्पड़ है हुकूमत के मुंह पर जिसकी गूंज 2024 के इलेक्शन के बाद तक भी सुनाई देती रहेगी। केजरीवाल का रिहा हो जाना इनके तमाम चालबाजियों पर पानी फेर देना है। इसके लिए मैं एक शायर होने के नाते एक शेर बोलूंगा, वो शेर ये है, सरकार बहाने पर बहाना चाहती है, सरकार बहाने पर बहाना चाहती है, पूरे विपक्ष को जेल में फंसाना चाहती है, अब इन तमाम बहकावों से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि खुद ही जनता अब इनको हटाना चाहती है। ये देखिए, ये जिन चीज़ों पर काम करना चाहिए इस हुकूमत ने उन चीज़ों पर काम नहीं किया है। अगर ये सेम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो मौका तो सबको मिलना चाहिए ना, ये कोई टाइमिंग था कि कोई भ्रष्टाचार करेगा तो क्या उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा?
करा जाएगा, बिल्कुल करा जाएगा, जांच तो चल रही थी इतने दिनों से। ये जो थे ये ऐसा कोई क्रिमिनल नहीं था कि देश छोड़ के भाग जाएगा या कूद के भाग जाएगा या सारे सबूतों को मिटा देगा। ये एक ऐसा चीफ मिनिस्टर था जो दो दो बार ऐतिहासिक मैंडेट से जीता था, आउट ऑफ 70 से 67, आउट ऑफ 70 से 62। इतने लोकप्रिय, जिसके इससे पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी साहब, उन्होंने भी इनके लोकप्रियता की तारीफ की थी, जो इलेक्शन में जिस तरह से जीते थे। इतने बड़े लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर को पकड़ के अंदर कर देना और 51 दिन के बाद में छोड़ना, तो ये एक अपने मुंह पर काली पोतने के अलावा कोई बात है? ये साफ बताती है कि इनकी हताशा किस तरह की है। अगर ये खुद ही कहते हैं हम 400 पार चले जाएंगे, तो इनको पकड़ पकड़ के अंदर करने की जरूरत ही क्या थी? ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं, तो इनको मैदान नहीं। और कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, तुम 400 आए 600 आए, अभी तक साबित नहीं हुई है। इन्होंने कानून वाकई में बदला है, इस बात को तो केजरीवाल भी कह चुके हैं। पहले क्या होता था, भ्रष्टाचारी तब कहलाता था जब भ्रष्टाचार साबित हो जाता था। अब भ्रष्टाचार का नाम आते ही वो भ्रष्टाचारी कहलाएगा, तब तक कहलाएगा जब तक ये दोष मुक्त साबित ना हो जाए। इस कानून को इस सरकार ने बदल दिया, इसी वजह से जो विपक्ष के लोगों को बस उनका नाम आते ही पकड़ के अंदर कर दो। इतने हजारों शिकायतें हुई, किसी की जांच हुई, अडानी की जांच हुई, बाकी के लोगों की जांच हुई, और इनके वॉशिंग मशीन जिसकी बातें सारी दुनिया में आम हो रही है, जो जो भी आए, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया, कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, कोई बड़ा पदाधिकारी बन गया, 25 ऐसे हेनियस क्राइम के केस इनके पास में है जिन्होंने बंद कर दिए। खुद मोदी जी, जिनको 70,000 करोड़ रुपये का घोटाले बाद साबित, रैली में ऐलान किए, उसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर। खैर ये सब तो राजनीति की बातें चलती रहेंगी, 400 सीटों पे सरकार बनाने का उनका दावा है, कम शब्दों में अपने जवाब को पूरा कीजिए। ये देखिए 400 का तो सवाल ही पैदा नहीं, ये सबसे बेबुनियाद और सबसे झूठा वाला आंकड़ा है। अगर इस आंकड़े पर कहा जाए तो इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता। दिल्ली में 7 सीटें हैं, कौन आ रहा है इस बार? पिछले दो बार से भाजपा जीती, आधे से कम सीट में आएगी बीजेपी, आधे से ज्यादा सीट में आएगा इंडिया गठबंधन। ये हमने यहाँ बहुत सारे लोगों से बात की, और अभी हम आम आदमी पार्टी कार्यालय में मौजूद है, जो आईटीओ में है। अभी अभी यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल ने अपना यहाँ भाषण दिया, और उन्हें बहुत सारे आरोप लगाए कि जिस तरह से अभी पहले विपक्ष के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो है सरकार में आने के बाद जो है भाजपा के कई नेताओं का जो है करियर खत्म किया जाएगा, योगी आदित्यनाथ का करियर जो है खत्म किया जाएगा। और वो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये लोग सरकार में आते हैं तो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अगर ये सरकार में आते हैं तो, क्योंकि उनकी जो उम्र है वो 75 साल होने वाली है अगले साल। तो इस बार जो है उन्होंने पूछा है कि बीजेपी का प्रधानमंत्री कौन होगा, बीजेपी ये बताए। और क्या है आपकी पूरी राय इस पूरे बातचीत पे, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा मैन आशीष साथ रंजय कुमार।